ससुर रिया चले भोला धीरे धीरे। चौथी बार आज बाबा का दर्शन करने आई हूँ देवघर। तो देवघर से तो एक दिली जुड़ाव बहुत पहले का है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये केकेन स्टेडियम, जहां से हर साल की तरह से जो है यहां से शिव बारात निकाली गई और भव्य शिव बारात होती है। देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, कई सेलिब्रिटी भी आते हैं जिनको देखने की भीड़ होती है, फिर शिवरात्रि की जो बारात निकलती है उनकी भीड़ होती है, बहुत सुंदर सुंदर झांकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हर साल की भांति सभी के लोकप्रिय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी अपनी वाइफ के साथ शिव बारात में शामिल हुए हैं और सभी लोग ने उनका खूब अभिवादन किया है। ये आप देख कर ही मतलब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और सेलिब्रिटीज जो आते हैं हर साल, हमें कई सेलिब्रिटीज तो मिलने का जो है मौका मिल जाता है यहाँ पर। तो रितेश पांडे जी आए और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आए और आम्रपाली दुबे जी आए। तो चलिए इनसे मिलते हैं और क्या कुछ कहा इन्होंने आज कि बाबा के बारात में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हम एक बार यहाँ से सुल्तानगंज से जल उठा के आए थे, जिस प्रकार से भैया ने बताया, और जब शुरुआत के दिनों में जब कैसेट का ज़माना था तो यहाँ कैसेट बहुत बिकता था, डीवीडी और सीडी का। तो हम लोग आते थे श्रावण मास में और 15 दिन 20 दिन यहीं रुकते थे और जितने भी पंडाल जो कांवरिया के रुकने की होती है वहाँ पे जाके अपनी प्रस्तुति देते थे, अपने कैसेट के बारे में बताते थे। तो देवघर से तो एक दिली जुड़ाव बहुत पहले का है और आज बाबा ने ऐसे अपने बारात में बुलाया है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। प्रसिद्ध ही जोन बाबा के बारात निकलेला ओकरा बारे में हमनी के बचपन से सुनत रही जा, पर पहला बार हमनी के यहाँ के माननीय सांसद जी निशिकांत दुबे भैया के वजह से अवसर मिलल है आज बारात में शामिल होके के। तो सबसे पहले तो निशिकांत दुबे भैया के धन्यवाद दे चाहता नहीं जा, आप सब के धन्यवाद बटे कि आप सब के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से हमनी के मौका मिलल है आज हमनियों के बारात में शामिल होखल जाई। गावे के तो हमनी के गायक हैं या तो बचपने से ही गाना सुनत बन या गावत बन जा कि ससुर रिया चले भोला धीरे धीरे, गले गोजर बिछुना मारे फुफकारी, बुढ़वा बैल पे भोला करके सवारी, अजोरिया ढले भोला धीरे धीरे। आज उ जोन बारात के वर्णन हमनी के अपना गाना में बहुत बार करत रही जा, आज वही बारात में हमनी के शामिल होके के मौका मिलल बा, ये हमनी के सौभाग्य बा। आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि आप लोग बाबा के नगरी में रहता नहीं, यहीं आप लोग के जन्म मिलल बा। हमनी के आप भाग्यशाली हो गए बानी जा कि हमनियों के आज महाशिवरात्रि के दिने अवसर मिलल है बाबा के नगरी में आवे के। और आज महाशिवरात्रि के वो पर्व है, वो दिन है जोना के हमरा कुल के लोग जब व्रत रखले रहे तो भगवान कृष्ण जी हमरा कुल में जन्म ले ले रहे, तो आज हमहूँ व्रत रख के और आज नगरी में आयल बानी, बाबा के शरण में आयल बानी और बहुत अपना के भाग्यशाली समझतानी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं अपनी लाइफ में चौथी बार आज बाबा का दर्शन करने आई हूँ देवघर, और ये सब बाबा की ही कृपा है। जितने बार आते हैं उतने बार जीवन में कुछ अच्छा होता है। हमेशा देवघर से लौटने के बाद मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है, तो इस बार भी मुझे ये सौभाग्यवश मौका मिला है कि मैं भोले बाबा की बारात में आज शामिल होंगी। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जो मुझे ये प्रोफेशन मिला, जो मुझे आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। और निशिकांत भैया का आज फ़ोन आया कि आपको आना है और मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। तो जो हमारे भोजपुरी अभिनेता अभिनेत्री शामिल हुए शिव बारात में, उनके चेहरे पर खुशी जो है साफ दिखाई दे रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया भी कि वो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं कि शिव बारात में शामिल होने का जो है मौका मिला।
जाहिर सी बात है बड़े हो या छोटे सभी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं शिव बारात में जब वो शामिल होते हैं और देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। चलिए इसी खुशी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।